बनाने जा रहे हैं मोदक। मोदक के लिए सामान है ये नारियल। नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक। मोदक के लिए ये चावल है, अड़वा चावल पिसा हुआ, गुड़, ये चुकंदर, उसका जूस निकाल कर रखे हैं, और ये फूड कलर है, और ये हरा कलर है, और ये घी है, ये इलायची है, और ये पानी वाला नारियल कसा हुआ, और ये ड्राई फ्रूट डालने के लिए बादाम। आइए बनाते हैं हम मोदक। गैस को जलाइए, इसको कढ़ाई रखिए, इसको अच्छे से मिलाइए ताकि मोल जैसा नहीं बने। देखिए ये हो गया, अब इसमें प्लेट में निकाल लीजिए। अब बनाइए कलरफुल मोदक बनाने के लिए, ये व्हाइट मोदक बनाने, अगर कलरफुल बनाना है आपको, कलरफुल बनाना है इसमें ये चुकंदर का जूस है। इसमें हम कलर के लिए चुकंदर का रस डाले हैं क्योंकि ये हेल्दी है। ये देखिए कलरफुल बनाने के लिए चुकंदर का रस है, और इसमें थोड़ा सा जा रहे हैं फूड कलर डालकर। अब हम दूसरा डो बनाने जा रहे हैं जिसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, और इसमें ये फूड कलर जो है, अब इसमें हम फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। कलरफुल डो बनाने के लिए ये देखिए, ये एक कलर और हो गया फूड कलर। अब इसको भी एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह का ग्रीन डो बनाएंगे। जिसके लिए हम धनिया को इस्तेमाल किए हैं। ये धनिया का बनाया है, इस बहुत हेल्दी होता है। इसमें डाल दें, थोड़ा सा इसमें घी डाल दें, जो इसमें का बचा हुआ है सबको इसी में डालकर ये धनिया का बनाया हुआ है ग्रीन कलर, इसमें डालेंगे हम जो बचा हुआ है सब, इसको इसी में डाल देंगे। इसको ग्रीन कलर बनाएंगे, ये देखिए ग्रीन कलर का डो, ये धनिया का बनाया हुआ था जैसे कि मैंने बताया था, ये बहुत हेल्दी होता है।
स्वादिष्ट भी होता है खाने में। इसको भी निकाल लें एक प्लेट में। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया। देखिए चार तरह के डो तैयार करके रेडी किए हैं। ये चुकंदर का है, ये धनिया का है, ये चावल का, सिर्फ चावल है, और ये फूड कलर है। देखिए चार कलर आपका तैयार हो गया। अब इसका जो अंदर में भरेंगे स्टफिंग वो तैयार करते हैं। थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे। देखिए नारियल को हम लोग कस लिए थे, अब इसको इसमें डालेंगे कढ़ाई में। गुड़ ऐड करेंगे। आँच कम करके बनाएंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो चलाते रहिए। गुड़ को ऐड कर दिए हैं, अब जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए तब तक चलाते रहिए। नारियल भी पक जाएगा, गुड़ भी गल जाएगा। हमारा गुड़ मेल्ट हो गया, अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। ये इलायची पाउडर इसमें मिलाएंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए स्टफिंग तैयार होकर रेडी हो गया। स्टफिंग खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब देखिए अब हो गया। अब हम इसको गैस को बंद कर लेंगे। अब गैस पर पैन में पानी डालकर इसको बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे। गैस को जला लें और ये उसका ढक, ये देखिए थोड़ा सा इसमें घी लगा के और इसके ऊपर रख दे। इसको तोप दे। और इसको अच्छी तरह से मिला ले ताकि मोदक। ये देखिए ऐसा ले ले हाथ में, गोल बना ले। इसको ऐसे करके वहाँ से बढ़ेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा इसमें से ले स्टफिंग में से और इसमें बनाइए। थोड़ा थोड़ा बढ़ बढ़ के इसी तरह से बनाइए। ये देखिए फिर थोड़ा सा लीजिए, इसको ऐसे ऐसे मिलाइए, थोड़ा छोटा लीजिए। अगर फटने लगे तो इसको हाथ में ऐसे से मिला लीजिए। इसको ऐसे इस पेड़ा जैसा बना लीजिए। इसको ऐसे कर ले, दूसरा कलर का पेड़ा ले ले और इसको ऐसे बना ले। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा भर ले ऐसे स्टफिंग भर के, इसको
इस तरह से मोदक तैयार कर लें। कलरफुल आपको मोदक बन के रेडी हो गया। अब हम लोग ग्रीन कलर का बना रहे हैं, देखिए इस तरह से बांट लेंगे। ये देखिए ग्रीन कलर का बन गया, ये देखिए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ये ले लीजिए। ये देखिए ऑरेंज कलर का मोदक आपका मोदक बन के तैयार हो गया। अब इसको स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए ये हमने पानी चढ़ाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा घी लगाया था, देखिए अब खदक रहा है, उबाल आने वाला है। अब इसीलिए हम मोदक को इसी पर ये देखिए कलरफुल मोदक कितना सुंदर लग रहा है, दिख रहे हैं आप। हो गया, अब इसको देखिए मोदक रेडी हो गया। अब इसको प्लेटिंग करें, इसको उतार लें। अब आइए प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दो लीटर, रुक रुक, ये मोदक बनके रेडी हो गया। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद पड़ा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए।